नमस्ते बच्चों, मैं अनिता आर्य, हिंदी अध्यापिका फ्रॉम सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। आज मैं आपको करवाऊंगी समास। समास का कुछ पार्ट हम पहले कर चुके हैं, आज मैं उससे आगे करवाऊंगी, ठीक है। समास के तीन भेद तो हम कर चुके थे, कौन कौन से? अव्यय भाव समास, उसके बाद द्वंद्व समास कर चुके थे, तीसरा हम कर रहे तत्पुरुष। तत्पुरुष समास हमने कर लिया था, इसके उपभेद बच रहे थे कौन कौन से? द्विगु और कर्मधारय, ठीक है। इसके बाद था हमारा बहुव्रीहि समास। तो हम आज करेंगे तत्पुरुष समास, तक हमारा हो गया था, आज इसके उपभेद करेंगे। पहला है द्विगु। द्विगु का मतलब होता है दो, दो मतलब क्या होती है? संख्या। तो जिस समास में पहला पद क्या होता है? संख्या, संख्यावाची, वो कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। संख्या जैसे देखो चौमासा, ठीक है, चौमासा, इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनाएंगे? चार मासों का समूह। हम इसमें समूह या समूह समाहार भी लिख सकते हैं, यानी चार मासों का समाहार या चार मासों का समूह। तो चार मासों का समूह, मासों मतलब चार महीनों के समूह, चौमासा जो हमारा चौमासा का महीना आता है, चार महीने तक रहता है चौमासा, चार मासों का समूह। तो इसमें पहला पद क्या हो गया? संख्या चार, यानी कि काउंटिंग जो गिनती होती है, तो पहला पद इसमें क्या होगा? संख्या। एक और देखो चौराहा, चार राहों का समूह, जहां पर चार राहें निकलती है इधर उधर इधर उधर इस तरह से, तो वहां क्या होता है? चार राहों का समूह, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? चौराहा। तो यहाँ पर चार क्या हो गया? संख्या हो गई। पहला पद क्या हो गया? संख्या, ठीक है, काउंटिंग। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। तो यहाँ पर भी देखो पहला पद क्या है? नव, नौ मतलब नौ, नौ क्या हो गया? संख्या होगी, नौ रत्नों का समूह, तो उसको क्या कहेंगे? नवरत्न, ठीक है। समास का विग्रह करना भी आपको आना चाहिए, किस प्रकार से विग्रह किया जाता है। तो ये हमारा द्विगु समास था। उसके बाद आ गया हमारा कर्मधारय। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या होता है कि इसमें एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य, या फिर एक पद उपमेय, दूसरा उपमान होता है। जो मैंने आपको अलंकार में बताया था उपमेय उपमान वाला, उसी प्रकार से इसमें होता है एक पद विशेषण, एक दूसरा विशेष्य, एक उपमेय या फिर उपमान। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, महात्मा, इसका विग्रह करेंगे क्या बनेगा? महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। कैसी आत्मा? महान विशेषण बता रहा है, कैसे? गुणवाचक विशेषण है यहाँ पर, भाई उसकी विशेषता बता रहा है। कैसा, कैसी आत्मा? महान आत्मा। तो यहाँ पर महान क्या हो गया? विशेषण हो गया। आत्मा क्या हो गया? विशेष्य। आत्मा की विशेषता बता रहे, वो क्या होता है? विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताए, जिस सबकी, तो विशेषण, विशेषण जिसकी बताए वो क्या होता है? विशेष्य। तो ये क्या हो गया? विशेष्य। ये क्या हो गया? विशेषण। विशेषण भी कौन सा? गुणवाचक विशेषण। नील गाय, नील गाय, नीली है जो गाय, इसका विग्रह क्या होगा? नीली है जो गाय। कैसी गाय? नीली। तो नीली क्या हो गया? विशेषण हो गया। गाय क्या हो गया? यहाँ पर विशेष्य हो गया, ठीक है। गाय की विशेषता बताई जा रही है, कैसी गाय? नीली है, ठीक है। काली मिर्च, काली है जो
मिर्च, काली है जो मिर्च। तो यहां पर भी क्या है, मिर्च तो क्या होगी विशेषण, काली क्या हो गया विशेषण, मिर्च की विशेषता बता रहा है कैसी मिर्च है काली। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, इसमें विशेषण, विशेष्य, उपमेय या उपमान, तो वो कौन सा होगा कर्मधारय समास। ठीक है, इसमें विग्रह करते समय है जो का प्रयोग अत्यधिक होता है, बहुत से वर्ड समास के अंदर है जो का प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। अगला हमारा लास्ट बच गया बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास वह समास होता है जिस समास में ना तो पूरक पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें अन्य तीसरा ही पद प्रधान होता है। ठीक है, इस समास में क्या होता है, ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, बाकी में क्या था, इसमें तो पूर्व पद प्रधान था अव्यय में, तत्पुरुष में क्या था उत्तर पद प्रधान था, बहुव्रीहि में क्या है, ना तो पूर्व पद प्रधान है ना ही उत्तर पद प्रधान है, इसमें अन्य तीसरा ही पद प्रधान होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, काफी पुराना एग्जाम्पल है, दस आनंद, दस है आनंद जिसके है, आनंद जिसके, किसके आनंद, आनंद मतलब मुख, किसके मुख होते हैं दस, रावण के। तो यहां पर किसकी प्रधानता होगी, रावण की, रावण के बारे में बताया जा रहा है, तो पहला पद प्रधान ना ही दूसरा, किसके बारे में बता रहे हैं रावण के बारे में। तो यहां पर कौन सा हो गया बहुव्रीहि समास। एक और देखो इसका एग्जाम्पल, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, किसका उदर, उदर मतलब पेट, किसका पेट लंबा होता है, लंबोदर किसको बोलते हैं गणेश को, किसको बोलते हैं गणेश को। ठीक है, तो यहां पर ना तो पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, अन्य तीसरा ही पद प्रधान है। ठीक है, और देखो कमल ने, कमल के समान नए ने जिसके, कमल के समान नए है जिसके, विग्रह ध्यान से करना है। ठीक है, विग्रह में गलती नहीं करनी है। तो कमल के समान नयन है जिसके, किसके नयन होते कमल के समान, नयन मतलब नेत्र यानी कि आंखें, किसकी आंखें होती कमल के समान, विष्णु, राम की भी बोलते हैं, एक अपनी कविता है राम की शक्ति पूजा, उसमें जो राम है, निराला जी की कविता है राम की शक्ति पूजा, तो उसमें राम की जो आंखें है वो कमल के समान होती है। ठीक है, तो विष्णु के भी बोलते हैं और राम के भी बोल देते हैं, तो यहाँ पे मैं तो राम को प्रमुखता देती हूँ, विष्णु कई बुकों में विष्णु भी है लेकिन मैं राम को प्रमुखता दे रही हूँ यहाँ पर। तो कमल के समान नयन है जिसके, किसके, राम के। ठीक है, तो ये अपने समास थे। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें अन्य पद क्या होते हैं प्रधान होते हैं। समास के चार भेद, चारों भेद अपने हो चुके हैं।